इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। ग्राम पंचायत संदलपुर के द्वारा मुक्ति धाम के पास कचरा का ढेर। जामनेर नदी के पास बना संदलपुर का मुक्ति धाम और यहाँ पर शिशु शमशान भी है। यहाँ पंचायत संदलपुर का कचरा फेंका जाता है। प्रतिदिन भवरास, रहटी, बुराडा, खूगांव आदि गांव वालों का कहना है कि यहाँ रोज सैकड़ों लोग निकलते हैं। भरवास से बालिकाएं पढ़ने के लिए संदलपुर पैदल जाती है। कचरा होने के कारण कुत्ते यहां पर दिन भर घूमते रहते हैं। आमजन को डर लगा रहता है, कई कुत्ते हमें काटना खाए। यहां पर ग्राम की बेसहारा मवेशियां पनिया खाती है। कचरे से गंदगी फैल रही, कचरा बदबू मारता है। गांव वालों ने इसका विरोध किया और ग्राम पंचायत संदलपुर और SDA महोदय खातेगांव को ज्ञापन भी दिया। आज जो है ग्राम पंचायत संदलपुर द्वारा स्वच्छता वाहन घर घर जाके कचरा एकत्रीकरण का जो कार्य किया जाता है और उसका निपटान जहाँ पे शासकीय रूप से अधिकृत जमीन है वहाँ पे एकत्रीकरण किया जाता था, परंतु वहाँ पे ग्राम भबरास और अन्य गाँव का जाने का रास्ता भी है। वहाँ के ग्रामीणों द्वारा उस उक्त स्थल पर कचरा एकत्रीकरण का विरोध किया जा रहा है और विरोध करने के कारण वहाँ पे स्वच्छता वाहन को रोक दिया गया है। इसलिए ग्राम संदलपुर में विगत 3 दिनों से कचरा एकत्रीकरण नहीं किया है और गांव में बड़ी कचरे की समस्या उत्पन्न होने के कारण सभी ग्रामीण एकत्रित होकर श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए थे कि हमें उक्त स्थल को निर्बाध रूप से कचरा एकत्रीकरण कर सेग्रीगेशन शेड वहीं पर निर्माण किया जाए, इसलिए उक्त जगह को ग्राम संदलपुर को दिया जाए। अन्य गाँव को क्या तकलीफ है? अन्य गाँव के वहाँ पर जाने की रास्ता है। ग्रामीणों के द्वारा किया जा कहा जा रहा है कि यहाँ के हमको बदबू आती है, कचरा फैलता है, इसलिए यहाँ से यह स्थान को हटाकर अन्य कई जगह पे इसको सुनिश्चित किया जाए। वो जमीन किस पंचायत की? ग्राम पंचायत संदलपुर की जमीन है और मत मवेशी हड़वाई के लिए वो जमीन राजस्व विभाग के द्वारा पूर्व वर्षों बहुत पुरानी रूप से उसमें अधिकृत की गई हुई है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।